नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम थॉमस हॉब्स की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। पार्ट वन और पार्ट टू चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट वन में हमने हॉब्स का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देखा और पार्ट टू में हमने देखा कंसर्न ऑफ हॉब्स एज अ थिंकर, यानी कि एज अ थिंकर थॉमस हॉब्स की चिंता का विषय क्या है। ये थॉमस हॉब्स वीडियो सीरीज का पार्ट थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहले के दो पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे भी जाकर के देख सकते हैं। तो ये जो थॉमस हॉब्स वीडियो सीरीज का थर्ड पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हॉब्स का इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म से क्या संबंध है। हॉब्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूटिस्ट क्यों कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हॉब्स ऑन इंडिविजुअलिज्म। इज़म कहीं भी आ जाए तो इज़म का मतलब होता है आइडिया या विचारधारा। तो इंडिविजुअलिज्म भी एक आइडिया है, एक विचारधारा है। इसका मतलब होता है, इंडिविजुअलिज्म नाम से ही हमें समझ में आता है कि यहाँ इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो इंडिविजुअलिज्म का मतलब, इंडिविजुअलिज्म कहती है कि जो ये विचारधारा है इंडिविजुअलिज्म की, वो कहती है कि मैन इज़ प्रायर टू स्टेट, यानी कि मैन या फिर इंडिविजुअल जो है वो स्टेट से पहले आता है। स्टेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है मैन की या इंडिविजुअल की। तो इंडिविजुअलिज्म जो विचारधारा है वो इंडिविजुअल को या मैन को स्टेट के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, ये कहती है, इंडिविजुअलिज्म विचारधारा कहती है कि सेल्फ इंटरेस्ट इज सुप्रीम, यानी किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ा है एज कंपैरिजन टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो हॉब्स को क्यों कहते हैं, हॉब्स को इंडिविजुअलिज्म से हम क्यों जोड़ते हैं। देखो, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, थॉमस हॉब्स वीडियो सीरीज के पार्ट टू में हमने पढ़ा था कि हॉब्स जो है ना वो राइट टू लाइफ को एब्सोल्यूट बताते हैं। हॉब्स कहते हैं कि राइट टू लाइफ, मेरे जीने का अधिकार जो है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ये मेरा एब्सोल्यूट राइट है, ये स्टेट भी मुझसे छीन नहीं सकता है। तो हमने देखा है पार्ट वन वीडियो में कि थॉमस हॉब्स ने अपने पूरे जीवन में वॉर का समय देखा है और वो उनकी माँ ने उन्हें 9 महीने से पहले ही प्री मच्योर बर्थ दे दिया था। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ की सिक्योरिटी को लेकर के कंसर्न्ड रहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि राइट टू लाइफ एक एब्सोल्यूट राइट है, क्योंकि उन्होंने वॉर का समय देखा था। उस वक्त, उस दौर में जीवन बचाना ही बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से उनकी ऐसी विचारधारा डेवलप हुई कि राइट टू लाइफ जो है वो एब्सोल्यूट राइट है, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। हॉब्स कहते हैं कि अपना जीवन बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इंसान दूसरे की जान ले भी सकता है, इसलिए राइट टू लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सैकर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्टेट है ना वो भी मुझसे मेरा राइट टू लाइफ नहीं छीन सकता। ऑल्दो वो ये भी कहते हैं कि अगर मैंने किसी का जीवन ले लिया, मैंने किसी के राइट टू लाइफ को एक्सप्लॉयट कर दिया, तो लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए स्टेट मुझे पनिश करने के तौर पर मुझे मेरे जीवन को, मुझसे मेरा जीवन छीन सकती है, लेकिन आर्बिट्रेरली यानी कि मनमाने तौर पे मुझसे मेरा जीवन का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, ये मेरा एब्सोल्यूट राइट है, ये स्टेट भी मुझसे छीन नहीं सकता। तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, एक इंडिविजुअल के राइट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है, बस एक इसी रीज़न की वजह से उनको कहा जाता है कि हॉब्स इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट, यानी कि जितने भी इंडिविजुअलिज्म के विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं उसमें हॉब्स सबसे ग्रेटेस्ट हैं, मतलब वो सबसे बड़े इंडिविजुअलिस्ट हैं। ठीक है, तो देखो, हॉब्स के हिसाब से मैन इज़ इंडिविजुअलिस्टिक बाय नेचर एंड सोशल ओनली आउट ऑफ नेसेसिटी। हॉब्स कहते हैं कि इंसान जो इंडिविजुअल है, जो मैन है, वो बाय नेचर इंडिविजुअलिस्ट होता है। वो अपने बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है, और वो सोशल सिर्फ नेसेसिटी, आउट ऑफ नेसेसिटी सोशल होता है, मतलब सिर्फ ज़रूरत के कारण वो सोशल होता है, क्योंकि अगर वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा तो दूसरे भी उसके बारे में नहीं सोचेंगे। इसी डर से वो क्या करता है, इसी चीज़ की वजह से वो दूसरों के बारे में सोचता है, लेकिन बाई नेचर वो इंडिविजुअलिस्ट होता है, बाई नेचर वो अपने बारे में ही सोचता है। ठीक है, इसलिए हॉब्स कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हॉब्स मैन इज इंडिविजुअलिस्टिक बाई नेचर एंड सोशल ओनली आउट ऑफ नेसेसिटी, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरी होने के कारण, क्योंकि वो नहीं अगर सोचा तो दूसरा भी उसके बारे में नहीं सोचेगा, इसलिए जो मैन है उसको सोशल होना पड़ता है, लेकिन बाई नेचर वो इंडिविजुअलिस्टिक ही है, बाई नेचर वो अपने बारे में ही, अपना भला ही सोचना चाहता है। ठीक है, ये हॉब्स का नज़रिया है। अच्छा, मैन इज़ सोशल बाई नेचर, ये किसका आइडिया है,
ये है एरिस्टोटल का आइडिया। एरिस्टोटल कहते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। एरिस्टोटल के हिसाब से मैन एक सोशल एनिमल है, और वो जो एरिस्टोटल के हिसाब से मैन इज़ अ सोशल एनिमल। लेकिन थॉमस हॉब्स के हिसाब से मैन सोशल एनिमल नहीं है, मैन इज़ इंडिविजुअलिस्टिक बाई नेचर। बाई नेचर मैन इंडिविजुअलिस्टिक होता है, वो सोशल सिर्फ आउट ऑफ नेसेसिटी होता है, मजबूरी के कारण, नेसेसिटी की वजह से उसको सोशल होना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब बातों की वजह से जो थॉमस हॉब्स हैं उनको इंडिविजुअलिस्ट कहा जाता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, हॉब्स को ना स्कॉलर ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है। अब ये पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म क्या है, अब इंडिविजुअलिज्म को और ज़्यादा हमने डिफाइन कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। हॉब्स को स्कॉलर ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है। अब ये पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म क्या है, देखो पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म जो है ना वो एक कैपिटलिज्म पूंजीवाद की विचारधारा है, पूंजीवाद की जो ये है फिलॉसफी है। इस व्यू के हिसाब से वॉट एवर मैन पॉसेस इज बिकॉज ऑफ हिज ओन एफर्ट्स एंड सोसाइटी हैज़ नो कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म जो विचारधारा है वो कहती है कि मैन जो कुछ भी ओन करता है, जो भी पॉसेस करता है, वो जिस चीज़ का भी अधिकारी है, मालिक है, वो सिर्फ उसके अपने एफर्ट्स की वजह से है, इसमें सोसाइटी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसीलिए मैन को, इंडिविजुअल को कोई मजबूर नहीं कर सकता कि वो सोसाइटी को गिव बैक करे, ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ करे। ठीक है, तो ये पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म की इतनी स्ट्रॉन्ग विचारधारा है, और हॉब्स जो है वो इसके स्कॉलर कहा जाता है उसको, कि हॉब्स इज अ स्कॉलर ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, वो पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हॉब्स को ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं सिर्फ क्योंकि वो राइट टू लाइफ को एब्सोल्यूट राइट बताते हैं। वो कहते हैं राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार एब्सोल्यूट है और ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता। हॉब्स ये कहते हैं कि मैन बाय नेचर इंडिविजुअलिस्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ आउट ऑफ नेसेसिटी, मजबूरी की वजह से, ज़रूरत के कारण उसको सोशल होना पड़ता है। और हॉब्स को पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म का स्कॉलर भी कहा जाता है। क्यों? पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म जो है ना वो एक विचारधारा है, कैपिटलिज्म की एक फिलॉसफी है। इसके हिसाब से मैन जो भी प्रोसेस करता है, ओन करता है, वो अपने एफर्ट्स की वजह से, सोसाइटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए कोई मैन को, इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकता कि वो सोसाइटी को गिव बैक करे। तो ये सब की वजह से हम थॉमस हॉब्स को कहते हैं कि ही इज अ स्कॉलर ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म एंड ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। अब हॉब्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूटिस्ट भी कहा जाता है। एब्सोल्यूटिस्ट कौन होता है? वन हु गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट। मतलब जो ये एब्सोल्यूटिस्ट जो होते हैं ना, जो एब्सोल्यूटिस्ट वो होता है जो कहता है कि सारा पावर स्टेट के पास है, स्टेट या फिर गवर्नमेंट या जो भी, जिसको भी हमने पावर दिया है, जो भी स्टेट या गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और उसके पावर एब्सोल्यूट है, उसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोल सकता, चाहे वो कुछ भी करे हमको उसके अगेंस्ट नहीं बोलना है। ये एब्सोल्यूटिस्ट विचारधारा होती है। ठीक है, इस देखो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट। अब देखो हॉब्स जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं स्टेट इज सॉवरेन, स्टेट सॉवरेन है, संप्रभु है, नो वन, नो अदर एसोसिएशन, नॉट इवन चर्च विल हैव पावर ओवर स्टेट। यानी कि स्टेट के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है, इवन कि चर्च का भी अधिकार नहीं होना चाहिए स्टेट के ऊपर। स्टेट सॉवरेन है, संप्रभु है, वो सबसे ज़्यादा ऑल पावरफुल है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है। ठीक है, दूसरा वो ये भी कहते हैं कि मैन हैज़ लिबर्टी व्हेन लॉ इज साइलेंट। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि मैन को सिर्फ वहीं पर आज़ादी है जहाँ पर लॉ नहीं बनाया है स्टेट या गवर्नमेंट ने। ठीक है, मैन इज़ फ्री ओनली टू द एक्सटेंट स्टेट हैज़ परमिटेड हिम टू बी फ्री बाय नॉट मेकिंग लॉज। ठीक है, मैन सिर्फ वहीं फ्रीली काम कर सकता है, मैन सिर्फ वहीं फ्री है कुछ भी करने के लिए जहां स्टेट ने उसे फ्री किया है बाय नॉट मेकिंग लॉज। लॉ ना बना करके स्टेट या गवर्नमेंट ने मैन को लिबर्टी दी है, फ्रीडम दी है। इसके अलावा जहां पर भी लॉज बने हुए हैं इंडिविजुअल को, मैन को उसको फॉलो करना है। इफ स्टेट हैज मेड लॉज, मैन हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट लॉ। इफ मैन डजंट ओबे लॉ, स्टेट विल हैव राइट टू पनिश हिम। ठीक है, तो इस वजह से हॉब्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूटिस्ट कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि स्टेट ऑल पावरफुल है, स्टेट एब्सोल्यूट है, वो कुछ भी करे हमको जो है उसको फॉलो करना है और हम उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं, एक तरफ तो थॉमस हॉब्स कह रहे हैं कि इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, राइट टू लाइफ एब्सोल्यूट है, जीने का अधिकार एब्सोल्यूट है, उसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता, जिसकी वजह स्टेट या गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती, जिसकी वजह से उनको ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट कहा गया, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑल पावरफुल है, स्टेट या गवर्नमेंट जो है वो सॉवरेन है, संप्रभु है, उसके ऊपर किसी का पावर नहीं है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और इंडिविजुअल को लिबर्टी सिर्फ वही है जहाँ स्टेट ने लॉ नहीं बनाया है उसको लिबर्टी देने के लिए, ठीक है। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, और एक तरफ वो कह रहे हैं स्टेट इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों का क्या मैटर है उसको जान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि इज देयर कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म, क्या इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है जो लॉ हॉब्स बता रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है उसके जीने का अधिकार जो है वो स्टेट या गवर्नमेंट नहीं छीन सकती, कोई उससे छीन नहीं सकता, वो इंडिविजुअलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो ऑल पावरफुल है, सॉवरेन है, उसके ऊपर किसी का पावर नहीं है। तो क्या बात है, देखो क्या इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? नो, देखो समझो इस बात को। हॉब्स कहते हैं कि मैन इज सो इंडिविजुअलिस्टिक दैट ही कांट लिव इन पीस विद अदर मैन अनटिल एंड अनलेस देयर इज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। वो कहते हैं कि मैन इतना ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होता है ना कि वो दूसरे मैन या इंडिविजुअल के साथ पीसफुली नहीं रह सकता, इसीलिए एक अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली थॉमस हॉब्स इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म दोनों विचारधारा का अलग अलग जगह पे प्रयोग कर रहे हैं। कैसे? वो कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो है ना उसकी राइट टू लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए उसके जीवन का अधिकार, उसका जीवन उसके लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए वो दूसरे की जान भी ले सकता है, इसलिए उसके इस इंडिविजुअलिस्टिक व्यवहार के लिए ये जरूरी है कि एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो जो सब कुछ कंट्रोल कर सके। इमेजिन करो एक स्टेट है, वहां पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप इंडिविजुअल हो और सारे हैं, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं इंडिविजुअलिस्ट विचारधारा को शो करते हुए, वो कहते हैं कि एक मैन के लिए उसका राइट टू लाइफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरे की जान भी ले सकता है अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कर देता है तो पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा, इसलिए एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी की ज़रूरत है, इसलिए स्टेट की ज़रूरत है कि वो कंट्रोल करे हर चीज़ को। तो यही बात है कि मैन इतना ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होता है ना कि उसको जो है एक, जब उसको एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी की ज़रूरत है जो उसको पूरी तरह कंट्रोल करे ताकि माहौल खराब ना हो, केओस ना हो, वॉर ना हो। तो ये सारा सोच उनकी डेवलप होती है उस दौर से जिस दौर में वो पैदा हुए। तो इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि थॉमस हॉब्स इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म को अलग अलग, दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैन इतना ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है कि वो अपनी राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा ही, तो यहाँ पे वो, और उसके राइट जीने का अधिकार कोई उससे छीन नहीं सकता, तो यहाँ वो इंडिविजुअलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं अब हर इंसान के लिए ऐसे ही उसके जीने का अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए वो दूसरे को हार्म भी कर सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है एक एब्सोल्यूट स्टेट की जिसकी बात सब माने। तो यहाँ पे वो एब्सोल्यूटिज्म को सपोर्ट करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। इट मीन्स मैन इज सो इंडिविजुअलिस्टिक दैट एब्सोल्यूट स्टेट इज नेसेसरी टू स्टॉप हिम फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग स्टेट। इसका मतलब है कि मैन इतना ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक है कि एक एब्सोल्यूट स्टेट की जरूरत है जो है ताकि मैन जो है वो स्टेट को डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसलिए एक एब्सोल्यूट स्टेट की जरूरत है मैन के इंडिविजुअलिस्टिक नेचर की वजह से, ठीक है। तो हॉब्स एब्सोल्यूटिज्म इज नॉट फॉर द सेक ऑफ एब्सोल्यूटिज्म बट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि हॉब्स का जो एब्सोल्यूटिज्म है ना वो एब्सोल्यूटिज्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब हमने समझा कि हम एक जो स्टेट या गवर्नमेंट है उसको ऑल पावरफुल बता दिए कि वो कुछ भी करेगा ना हम उसको फॉलो करेंगे, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास सारा पावर है, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, ठीक है। तो हॉब्स का जो हॉब्स का जो ये एब्सोल्यूटिज्म है ना वो एब्सोल्यूटिज्म के लिए नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं एब्सोल्यूटिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं कि स्टेट को सारा अधिकार दे दो और वो तुम्हारे साथ कुछ भी करे। वो एब्सोल्यूटिज्म को इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए फॉलो करते हैं ताकि इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल के राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके। यानी कि अगर स्टेट को सारा पावर नहीं देती हूँ, अगर मैं स्टेट को ऑल पावरफुल नहीं बनाती हूँ, तो क्या होगा, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रह जाएगा और मेरे एब्सोल्यूट राइट, मेरे राइट टू लाइफ, मेरे जीवन का अधिकार भी मुझसे छीन लिया जाएगा, यानी
कोई मुझे मार सकता है, वो उस दौर के हिसाब से सोचते हैं कि वॉर का माहौल है, कोई किसी को भी मार दे रहा है। तो अगर कोई क्योंकि कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, तो जब तक एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऑल पावरफुल, एक सॉवरेन, एक संप्रभु नहीं होगा, जब तक स्टेट या गवर्नमेंट नहीं होगा, जब तक एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होगी, मेरे इंडिविजुअल के राइट का प्रोटेक्शन कौन करेगा? इसीलिए हॉब्स के एब्सोल्यूटिज्म को कहते हैं कि वो एब्सोल्यूटिज्म एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं है, वो इंडिविजुअल के राइट्स को, उसकी लाइफ को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हॉब्स की थियोरी का कवर करेंगे, और इसी तरह से हम पूरे हॉब्स के थियोरी को कई सारे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, बाकी पिछले दो वीडियोज भी और ये वीडियो भी आप तैयार रखो। नेक्स्ट वीडियो जिसके साथ जल्दी मिलती हो, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड लक।